हेलो गाइस, हमारे पास ये छोटा सा पीएफ है जो कि होम थिएटर में हमारा जो है ये शॉर्ट हो गया है, जिसके कारण से हमारा जो बेस नहीं आ रहा है। और यहाँ पे ये क्यों शॉर्ट हो गया, और हमने यहाँ पे आईसी उसी सारा चीज़ को भी चेंज करके देख लिया हूँ, लेकिन हमारा जो ये बेस नहीं आ रहा है। इसका आईसी चेंज करने के बाद ही 4558 के बाद हमारा जो बेस फिल्टर है वो काम नहीं कर रहा है। तो क्या कारण होता है कि आपके साथ भी कभी काल ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि आप आईसी को चेंज कर दें और आपका प्रॉब्लम कभी सॉल्व ना हो, और ऐसा प्रॉब्लम हमेशा आता है। और हमारे चैनल पे बहुत दिन पहले मैंने एक वीडियो ऐसा ही डाला था जिसमें ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाया है, तो आप चाहेंगे तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। बहुत पहले ही डाला था, लेकिन मैं उसी से रिलेटेड एक वीडियो और लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। जैसे कि ये हमारे हाथ में ये पीएफ है, तो ये पीएफ को देख पा रहे हैं। यहाँ पे पीएफ का क्या फ्रेंड, ये चूहा ने काट दिया, और ये हमारा पीएफ हो गया है शॉर्ट। यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको शॉर्ट बताएगा, शॉर्ट नहीं बताना चाहिए, कंटिन्यूटी में आवाज़ नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहा है, तो हमारा जो पूरी तरीके से शॉर्ट बता रहा है। और ये शॉर्ट होने के बाद 4558 आईसी को ऑन होने नहीं दे रहा है, और हमारा जो बेस फिल्टर काम नहीं कर रहा है। तो चलिए, मैं एक होम थिएटर है जिसमें मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, जिसके कारण से मैं इसको सॉल्व कर पाया हूँ। और इसके जगह मैं नया पीएफ लगाया और आईसी को बिना चेंज किए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए हैं। हम भी आईसी को लगा दिए थे, लेकिन उसके बाद मुझे नज़र आया कि इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। चेक करने के बाद मेरा ये सारे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाए, तो आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए आगे वीडियो में दिखाते हैं प्रैक्टिकल करके। तो चलिए फ्रेंड, हमारे पास यही होम थिएटर है जिसमें प्रॉब्लम आया है कि बेस यहाँ पे आ नहीं रहा है। और इसमें एक प्रॉब्लम ये था कि फ्रेंड, पहले जो भी मिस्त्री यहाँ पे बनाया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया था, और डायरेक्ट करके चला रहा था, जो कि स्पीकर में साउंड आ रही थी लेकिन बेस नहीं आ रही थी। तो मैंने इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढ लिया है, और ये प्रॉब्लम पहले भी आया था तो उसके बारे में भी बताया मैं आपको। तो वो प्रॉब्लम क्यों आया था उसका भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये आईसी को भी चेंज करके देखा, हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हुआ था। तब मैंने ध्यान दिया कि हमारे साथ ये पहले प्रॉब्लम हो चुका है, जिसके कारण से यहाँ हो सकता है। तो यहाँ पर देखा पीएफ ये हमारा कटा हुआ, और चेक किया तो मल्टीमीटर से, तो यहाँ पर पीएफ हमारा शॉर्ट बता रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाले पीएफ को, ये जो पीएफ दिख रहा है, इस पीएफ को चेंज करना है, और इसके जगह में न्यू पीएफ को लगाना है, या हटा के देखना आपका जो काम करना सक्सेस हो जाएगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे हटा के न्यू पीएफ को लगाएंगे और आपका जो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो मैं बनाया हूँ, पूरा कंप्लीट आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो जो चीज़ बता रहा हूँ उस चीज़ को करेंगे आपका जो है सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर इस पीएफ को हटा के मैंने न्यू पीएफ को लगाया, और हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बेस हमारा ये बनने लगा, बेस फिल्टर आईसी जो है काम करने लगा, और देखिए हमारा यहाँ पे बूफर भी यहाँ से काम कर रहा है। जब भी हम यहाँ से हाथ रख रहे थे, हमारा जो यहाँ पे सक्सेस काम नहीं कर रहा था, अभी देखिए फ्रेंड कितना मस्त काम कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।